बात करना बंद करो सुनो से। दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। पहली चीज़, साइबर सांप आ रहा, सांप वो भी जहरीला सांप है। अगर इनकेस आपको सांप दिख रहा, आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग वहाँ से हट जाना है। हट के किसी को इन्फॉर्म कर लो, वो एरिए में किसी को जाने मत दो। दूसरी चीज़, उसको छेड़ना नहीं है, मारना नहीं है आप। अगर वो आप काटने आ रहा, कुछ करने आ रहा, तो ही आपको कुछ करना है, वरना आप उसको लेकर हट जाना है। उस सांप को मारना नहीं है। इसके बाद सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपके सुपरवाइजर इंजीनियर जो भी है उसको इन्फॉर्म कर देना कि यहाँ पर ये एरिए में सांप है। उसके बाद वो आर्डर कर लेगा। और फोटो लेके अगर किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है, आपके सिर्फ और सिर्फ आपके इंजीनियर फोरमैन बस, उससे हट के किसी और को आप इन्फॉर्म नहीं कर सकते। क्लाइंट कंसल्टेंट कोई आ रहा आपसे पूछ रहा, नहीं मालूम है, फोरमैन वहाँ है, फोरमैन से पूछो। उसके बाद सांप अगर दिख रहा तो सबसे पहले क्या करना है, सेफ्टी वाले को इन्फॉर्म करो कि ये एरिया में सांप है, आगे का प्रोसीजर क्या है वो नहीं कर लेगा। फर्स्ट केस सिनेरियो, सांप अगर काटा क्या करना है आपको, वार्निंग को उठाना है, आप कुछ नहीं कर सकते। उठाना है नीलर से आना, वहाँ पर ले गया और मॉर्फिन ले गया तो सर ट्रीटमेंट होगा। अगर किसी को सांप पकड़ने आता ट्रेनिंग है करेगा वो, तो वही सांप से डील करेगा, जिसको नहीं आता वो सांप से डील नहीं करेगा। स्पेशलाइज हॉस्पिटल है, हिमेग्री है, वहाँ पर जो भी है ट्रीटमेंट होगा। खाने की चीज़ा सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जो खाना खा रहे साइड पर वो नॉम है, साइड के बाहर का नहीं, साइड पर जो है खाने का सामान कहीं पर भी कोने में नहीं डालना है। उससे होता क्या, वो खाने के लिए चूहा आता, चूहे को खाने के लिए सांप आता, ये मेन रीज़न है सांप आने का, और कुछ भी नहीं है। सांप इंसान को देख के डरता, वो दूर भागता, उसके करीब नहीं आता। वो सांप साइड के अंदर क्यों आ रहा, वो चूहा खाने आ रहा। चूहा कैसे आ रहा, आप लोग जो खा के बच गया जो खाना फेंक रहे ना, वो के लिए वो आ रहा, उसको खाने के लिए वो आ रहा। तो शायद नीट एंड क्लीन चाहिए, जहाँ फूटे फेंकना है वहीं पर फेंकेंगे आप, साइड पर नहीं आप नहीं फेंकेंगे। उसके बाद उसके बॉडी एरिया से जो भी काम कर रहा कॉर्नर ना पूरा देख के काम करिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से ही ज़्यादातर काम अंदर आ रहा है। ठीक है, सांप को छेड़ना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट। जब तक आप उसको नहीं छेड़ रहे हो, कुछ और नहीं करता आपको। अगर इनके बीच हुआ आप फॉर्म करिए, हम लोग आएंगे, जैसा भी करना है क्या करना है, आप लोग कुछ नहीं करना है। घंटे का घंटा जब तक आप वो चीज़ की ट्रेनिंग लिए, फोटो लेना, वीडियो लेना, ले रहे अपने हाथ में, अपने फोर मैन तक की रैंकिंग के, वो जाके आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, नीचे रहेगा जो आएगा हमारा बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, ये था काम को लेकर। उसके बाद स्कैफोल्डिंग वर्किंग लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं वो लोग विदाउट हेलमेट काम नहीं करना है, विदाउट बुक करे काम नहीं करना है, एक्सेस एरिया क्लियर रहना है। जहाँ पर भी आप जा रहे हैं जाने आने का अपना क्लीन रखना है, जब तक प्रॉपर एक्सेस नहीं रहेगा आप लोग काम नहीं करना है। टीम के ऊपर चले ले जा रहे हैं आपको और अंदर जा रहे हो गलत चल रहे हैं, टीम के ऊपर देखे गए प्रॉब्लम होगा। और एक ये सैटरडे के दिन एक क्लियर होगा आपका कोई बीमार या फिर मेडिकल कंडीशन कोई बेहोश हो गई गिर गया, क्या करते हैं प्रोसीजर बाद में, आप लोग क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो कैसा करना है सैटरडे के दिन ड्रिल करेंगे, उसमें आप लोग को बोलूँगा मैं क्या करना है। ज़्यादा कुछ नहीं रहता आप लोग करना, अगर कोई मान लगा इंजूर हुआ गिर गया, मेलर मेडिकल टीम या सेफ्टी टीम से इन्फॉर्म करेंगे, वो लोग आएंगे स्ट्रेचर से उठाएंगे, ऑन द स्पॉट उसको पहले फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट एड क्या है, ऑन द स्पॉट जो आप ट्रीटमेंट दे रहे बंदे को फर्स्ट एड बोलते, फर्स्ट एड देंगे। अगर ज़्यादा सीरियस है उसको लेके जाएंगे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल, उसके बाद का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो डॉक्टर करेगा। ये एक प्रोसीजर है, वो ये सैटरडे प्लान करके करना है। क्लियर, इलेक्शन टीम है यहाँ पर, नहीं अली बाबा नहीं है, मेसन
है, स्कैफोल्डर्स है, मेसन्स आप लोग हाइट पे देख के काम करिए। 4/6 एरिया वेट एरिया है पूरा, वहाँ पर सांप निकलने के भी चांसेस ज़्यादा है वो एरिया, और ये नाम एरिया में जो सांप आने के ज़्यादा है। अगर आप खाना मत से क्यों नहीं आए, और विदाउट सेफ्टी जैकेट कौन कौन काम कर रहा सबके पास नहीं आना, आप बिना शूज से काम नहीं करना है, ये आपको दो साइड से प्रोटेक्ट करता है, शूज अप एक काम से एक दूसरा साइड की हजार दोनों साइड से प्रोटेक्ट करता है। ये अलग से केमिकल ही मंगाया ना, वो साइड भी जाऊंगा और केमिकल स्प्रे कराता हूँ मैं, फिनॉइल है, कार्बोलिक एसिड बोलकर है, वो मंगाया मैं वो साइड पर और कैम में दोनों जगह स्प्रे होगा। लेकिन एक चीज अच्छे से दिमाग में बिठा दो, मैं कुछ भी करूँ फायदा नहीं है जब तक आप ना खुद से साफ सफाई नहीं रखें। रमेश चौधरी हाल मैं गल्ला पकड़ो उसका, बोलो ये खराब हो गया, बास मार रहा निकाल, अगर वो नहीं सुना मेरे को आगे बोलो। डस्टबिन फटा हुआ है उसी में सब, जितना आप लोग रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। एक आदमी पूरा साफ सफाई नहीं कर सकता, एक डेजिग्नेटेड एरिया है, डस्टबिन जो है वहाँ पर डालो, वो वहाँ से हटाने की जिम्मेदारी उसकी है। अगर आप रूम में किचन में खाने की जगह सब जगह डाले तो वो नहीं हटाता, क्लियर बोल दे रहा मैं आपको, आज हटा देता हूँ मैं, हो जाएगा। और खाने का मत डालो, यहाँ आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर सांप आने का चांसेस ज़्यादा है, और रात में सोते वक्त पूरा बंद करके आराम से सो, चेक तो नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऐसा बड़ा वाला और एक आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है, चलो जा सकते हैं।